आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा, न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। भारत माता की, भारत माता जी यहां आए सभी लोगन का राम राम। चार चरणों के मतदान के बाद उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर दिया है कि नतीजे क्या आने वाले हैं। अब पांचवें चरण से पहले ये महामिलावटी लोग अगर आपका ये उत्साह देख लेंगे तो चुनाव का मैदान ही छोड़ने की सोचने लगेंगे। कोई सोच सकता है इतनी भयंकर गर्मी में ये छत पर लोग इतने ताप में खड़े हो? चुनाव मैंने बहुत देखे हैं भाई, चुनाव की गर्मी भी देखी है, लेकिन मई महीने की इस भयंकर गर्मी में छत पर खड़े रह करके भी आशीर्वाद देना शायद ऐसा सौभाग्य किसी को नहीं मिला होगा। यहां भी जो दीवार पे खड़े हैं मुझे डर लगता है कोई गिर न जाए। उधर भी वही हाल है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश का जितना मैं धन्यवाद करूं उतना कम है। सर झुका के नमन करता हूं दोस्तों। ये प्यार, ये आशीर्वाद मुझे गदगद कर देते हैं। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जिस तरह ठान लिया है कि विकास के आगे उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, इन महामिलावटी लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि अब बचा हुआ चुनाव बचाने के लिए कौन सा खेल खेला जाए। मोदी को गाली देने के लिए इन्होंने जो जो झूठ गढ़े थे वो तो सारे हवा हो चुके हैं। और इसलिए अब गाए बगाए ये अपनी सच्चाई खुद स्वीकारने लगे हैं। साथियों, अब ये साफ हो चुका है कि समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के बहाने बहन मायावती का तो फायदा उठा लिया, चालाकी की, उनको अंधेरे में रखा, बड़ी बड़ी मान सम्मान की बातें की, आपको प्रधानमंत्री बना देंगे ये भी कह दिया, लेकिन पीछे से
अब बहन जी को समझ आ गया है कि ये सपा ने और कांग्रेस ने मिलकर के बहुत बड़ा खेल खेला है। अब आप देखिए, बहन जी खुलेआम कांग्रेस की आलोचना करती है, नामदार की आलोचना करती है, उनकी नीतियों की आलोचना करती है, कांग्रेस को कोसती है, लेकिन दूसरी तरफ बहन जी के साथ गठबंधन करने वाले लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस के मुद्दे पर चुप है, कांग्रेस पर नरमी दिखा रही है। बची कांग्रेस तो उसके नेता खुशी खुशी समाजवादी पार्टी की रैलियों में मंच साझा कर रहे हैं। बहन जी को ऐसा धोखा इन लोगों ने दिया है कि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा। भाइयों और बहनों, इन महामिलावटी लोगों की यही सच्चाई है। साथियों, ये वंशवादी ऐसे हैं जिनका झूठ कभी न कभी सामने आ ही जाता है। इसके लिए सबूत खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचिए, जो पार्टी पहले चरण के मतदान से पहले खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार बता रही थी, वो ये मानने लगी है कि हम तो यूपी में सिर्फ वोट काटने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कटाऊ पार्टी बन गए हैं। कांग्रेस का कितना पतन हो गया है ये इसका जीता जागता सबूत है। भाइयों और बहनों, वोट काटना, समाज तोड़ना, देश बांटना, कैबिनेट का अध्यादेश फाड़ना, यही कांग्रेस की पहचान बन गया है। साथियों, चौथे दौर के मतदान के बाद और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो गौर करने लायक है। कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी, मोदी के प्रभाव को और मोदी के ऑरा को, इस ऑरा से डरते हैं। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत, मोदी की ईमानदारी और मोदी की भारत भक्ति पर दाग नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश के साथियों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले तीन साल से जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, रोज नए झूठ गढ़े जाते हैं, रोज मोदी पे कीचड़ उछाला जाता है, उसका मकसद क्या है? ये कल खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार कर लिया। मोदी की भारत भक्ति पर सवाल खड़ा करना था, ईमानदारी पर सवाल खड़ा करना था, इसलिए ही इन्होंने एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया और झूठ बोलते गए, जहां गए
जितना जोर से बोल सकते हैं बोलते गए। इन्होंने अपने सारे दरबारियों पूरे इकोसिस्टम को इसी काम में लगाया हुआ है। कल ही नामदार ने फिर स्वीकार किया है कि मोदी के खिलाफ पूरे अभियान का लक्ष्य हमारा एक ही है और कांग्रेस का लक्ष्य है मोदी की छवि खराब करना। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार कान खोल करके सुन लो, ये मोदी सोने की चमक लेके पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके पड़ा हुआ है, ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके बिना थके कभी थके बिना एक निश्चय एक लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भारत माता उसके लिए जिया है उसके लिए तपस्या करता रहा है। 5-50 इंटरव्यू देकर के टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां देकर के 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार यह अहंकार आपको खा जाएगा, यह अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। लेकिन इन लोगों ने भाइयों बहनों ये नामदार ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है। कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार ना आ जाए, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं और इसलिए आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। भाइयों और बहनों, मुझे गिराकर मेरी छवि खराब करके ये लोग देश में अस्थिर सरकार मजबूर सरकार बनाना चाहते। अरे महामिलावट करने वालों, जिस चौकीदार के प्रचार के लिए दल नहीं देश की जनता चल पड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता
सड़कों पर निकली हुई है। जिस चौकीदार के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों बेटियों का आशीर्वाद हो, जिस चौकीदार के लिए युवाओं ने ठान लिया हो कि एक भी वोट बेकार नहीं जाने देंगे, उसे गिराने के हराने के सपने देखना छोड़ दीजिए। साथियों, मेरे खिलाफ हो रही इन साजिशों के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी के लोगों को मजबूत भारत के लिए मजबूत सरकार के अपने संकल्प पर अड़िग रहना है।